अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन के चापली कबाब बनाएंगे। आप चाहें तो मटन के भी बना सकते हैं, मटन कीमे के। यही तरीके से बनाएं बिल्कुल। हमने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया हुआ है। हमने कीमे को अच्छी तरह वॉश कर लिया है और बाद में इसका पानी अच्छी तरह सुखा लिया है। अगर आपके पास कीमा नहीं है तो आप बोनलेस चिकन लेकर उसे भी मिक्सर में डालकर उसका कीमा बना सकते हैं। हम इसमें नमक डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, एक छोटा टमाटर। हमने इसके बीज निकाल दिए हैं और इसे बारीक सा चॉप कर लिया है। ध्यान रखें इसमें पानी ना हो। थोड़ा पुदीना और हरा धनिया कटा हुआ, 2 टेबलस्पून बेसन। ये बेसन को हमने हल्का सा भून लिया था। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून। हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून मोटा मोटा धनिया और जीरा कूटा हुआ लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स कूटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ये क्रश किया हुआ अजवाइन है, ये हमने 1/4 टीस्पून यूज़ किया है, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले भी डाल देंगे हम। एक छोटी प्याज बारीक चॉप करके और एक हरी मिर्ची, इसे भी हमने बारीक सा कट कर लिया है। हम इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन भी डाल देंगे। एक अंडा, हमें इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और मैरिनेट होने के लिए रख देना है आधे घंटे के लिए। अगर आप मटन के चापली कबाब बना रहे हैं तो आप कम से कम 1 घंटा मैरिनेट ज़रूर करें। चिकन का कीमा मैरिनेट हो चुका है, हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। हम थोड़े बड़े बड़े चापली कबाब बनाएंगे। इस तरह से हाथों के बीच में रखकर इसे हम चपटा कर लेंगे यूं। हम अभी इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई पैन में फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई नहीं किया जाता कढ़ाई में। हमने फ्लेम को लो करके इन्हें फ्राई किया है, वरना ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हमारे कबाब। हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।